दोस्तों, ये खूबसूरत जगह जो आप देख रहे होंगे, ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अजमेर से 15 किलोमीटर दूर विश्व विख्यात तीर्थ नगरी पुष्कर का रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ देश के सबसे बड़े पशु मेले की तैयारियाँ चल रही है। व्यवस्था की बात करें तो सारी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जाती है। आप देख सकते हो जेसीबी से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जल विभाग के कर्मचारी मुस्तैदी से अपने काम पर लगे हुए हैं और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं रात दिन मेहनत से। और ये पाइपलाइन ये बिछी जा रही है और सारे खेलियों का मिलान हो रहा है। अच्छा, ठीक है सर जी। कितने खेले हैं सर जी यहाँ पे? यहाँ पे 40 40 खेले हैं और 40 में ये पाइपलाइन बिछेगी। 40 समय, 40 समय उधर सब कंप्लीट है, इधर की आज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, 40 40 खेले। अच्छा, 40 में मतलब ये कंटिन्यू बहेगा? कब से चालू, कब से हो जाएगी ये? 25 तारीख से तो इनका रीजन जो चेकिंग हो जाएगी पूरी कंप्लीट। अच्छा, 2 तारीख से ये खेलिए भरना चालू हो जाएगी। अच्छा, और मतलब ये कंटिन्यू चालू रहेगा इसमें पानी? पूरा मेला कंटिन्यू चालू रहेगा, जब तक जानवर रहेगी, जब तक कुछ मेला चलेगा, जब तक सब रहेगा। टैंकर से जब भरा जाता है, जब सर पंप हाउस पे लाइट नहीं हुई जब उससे भरते, वरना 24 घंटा ये नल चालू रहता है। जब तक लाइट उपलब्ध है जब तक ये पानी चालू रहेगा। जी जी जी, टूटी खोलती पानी आएगा। लगभग ये 40 खेलियां हैं और कितना पानी आ जाता है सर एक खेली के अंदर? 15,000 लीटर एक खेली में ये पानी आता है। और साफ सफाई अच्छे से पूरी तरह से हो चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ, घंटा लेबर उपलब्ध है। अच्छा अच्छा, 10 से 15 लेबर जो फील्ड में रहेगी मेले। अच्छा, तो उसका कोई हेल्पलाइन नंबर है या कुछ? हेल्पलाइन सर है जो हमारा कंट्रोल रूम है, PHD कॉम्प्लेक्स बाद वाटर वर्क्स में हमारा वाई कंट्रोल रूम बनता है मेले के अंदर। जैसे बैनर लगेगा मेले के अंदर उस पर नंबर रहेगा, अधिकारी लोगों को सबके नंबर रहेगा सर। अच्छा, तो हर खेली पे भी शायद लिखा हुआ रहता है? बिल्कुल, खेली पर पोस्टर लगेगा, उसमें नंबर रहेगा कंट्रोल रूम के, किसमें पानी नहीं आ रहा, किसमें लाइन टूटी हुई, उस सारी सूचना। कई लोग होते हैं जो जिनको पता भी नहीं रहता कि भाई जो इधर उधर घूमते रहते हैं और शिकायत उस पर्सन से करते हैं जो समाधान कर ही नहीं सकता है। अगर किसी बंदे को शिकायत है किसी खेली के अंदर पानी नहीं आ रहा या कम पानी या ख़त्म हो गया, तो उसी खेली पे कंट्रोल रूम के नंबर मिल जाएंगे, वह वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हर फील्ड में हर खेली के पास हमारा एक बंदा मिल जाएगा उनको 24 घंटे के लिए। जैसे 1 से 2 3 खेली है वो चालू ही रहती है जानवरों के लिए। कोई भी जानवर अदर जानवरों सारे पानी पीने के लिए उनकी व्यवस्था रहती है, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। जगह जगह विद्युत पोल भी लगे हुए हैं। फिलहाल अभी विद्युत लाइन नहीं लगी है, तो मेले से पहले शायद इसकी भी व्यवस्था हो जाने की उम्मीद है। आसपास टेंट वाले भी अपना डेरा जमाए हुए हैं। जगह समतल व साफ करने के लिए खास ट्रैक्टर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। पुष्कर मेले में जो अपने पशु लेकर आते हैं उनके लिए प्रशासन के द्वारा निःशुल्क जगह अवेलेबल करवाई जाती है। पशुपालक यहाँ पर आकर अपनी जगह मार कर साफ सफाई और ज़रूरत के हिसाब से अगर समतल भी करवाना चाहे तो करवा सकता है। जगह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होती है। ये साफ़ सफाई चालू हो गई क्या यहाँ पे? चालू। ये कब से हो रही है साफ़ सफाई? ये सावन के महीने से। अच्छा, सावन के महीने से चल गई, मतलब लगभग लगभग 20-25 दिन पहले से हो चुके हैं ना? अच्छा, तो ये क्या जगह मार करने लग गए हैं क्या? जो गोड़ा गोड़ा अपने अपनी जगह मतलब काबू करके जा रहे हैं। अच्छा, जगह फिक्स करके जा रहे हूँ, फिर जा रहे हैं। इसको जो अच्छा लगती है वहाँ जगह रोक लेते हैं। अरे, उसका चार्ज तो कुछ है नहीं? नहीं, वो खाली सफाई वाला जो करते हैं जो ले लेते हैं। अच्छा, और कुछ चार्ज? तो आप ये साफ सफाई वगैरह करवा देते हैं क्या? नहीं, हम नहीं करवाते। अच्छा, आपके कॉन्टेक्ट में होगा कोई? अपने कोई कॉन्टेक्ट नहीं, अपना तो टेंट लगाते जहाँ सफाई मिलती है। अच्छा, टेंट का काम है आपका? अच्छा, व्यापारी को आने की जरूरत पड़ती है या आप खुद ही? खुद आते हो? खुद आते हैं, जगह चिन्हित करके आपको बता देते हैं। बता देते हैं, किसी के नंबर भी है जो हर साल बैठते भैया वहाँ लगाना है। हाँ, तो बता देते मैं लगा देंगे। अच्छा, अब के कितने स्टेट फार्म के आपने अभी लगाए हैं अभी तक? अभी तक तो 10-5 ही लगाए हैं। 10-5 कौन कौन से? एक तो इधर पीछे है, एक दो ये सामने और है। अच्छा, सामने। ये तो व्यापारी को होंगे? व्यापारी के, सारे व्यापारी के। स्टेट फार्म के नहीं है कि बड़े स्टेट फार्म कोई? नहीं नहीं, बड़े नहीं। स्टेट फार्म वाले नहीं आए अभी? अभी नहीं, उधर आएंगे पीछे जाकर। अच्छा, इधर भी तो लगते हैं मारवाड़ी घोड़ों के इधर? ये लगता ना एक तो ये इधर लगाएगी, इधर सा हो गई साफ सफाई? सफाई होगी। तो इधर लगाओगे आप टेंट अभी? लगाएंगे। अच्छा,
अच्छा, मतलब दिवाली के बाद ही मतलब स्टेट पार्क वाले आना चालू हो जाएंगे ना? उसके बाद ही, अभी नहीं आते हैं ना? अभी तो केवल ये जगह बुक कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं। यहाँ लगा हमारे को, यहाँ घोड़े रखने हैं, कहाँ रखने हैं। तो दोस्तों, पुष्कर पशु मेला 2024 जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसकी तारीखों की घोषणा हो चुकी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पशु मेला 2 नवंबर शनिवार से शुरू होगा, जो कि 17 नवंबर रविवार तक आयोजित किया जाएगा। 2 नवंबर को पुष्कर मेला कार्यालय की स्थापना होगी, चौकियों की स्थापना होगी 4 नवंबर को, 9 नवंबर को ध्वजारोहण होगा, 10 नवंबर को पशुपालकों का रवाना कटना शुरू हो जाएगा, 9 से 14 नवंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, 12 से 14 नवंबर को पशु प्रतियोगिताएँ, हॉर्स रिंग शो आदि का आयोजन होगा। दोस्तों, पूरे इंडिया के कोने कोने से सभी छोटे बड़े स्टड फार्मर, व्यापारी, पशुपालक, किसान, पशु प्रेमी इस मेले में आते हैं। ऊँटों के करतब और घोड़ों के रिंग शो काफ़ी मस्त और अट्रैक्टिव होते हैं। ऊँटों के अलावा खासकर मारवाड़ी घोड़े ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा काठियावाड़ी, सिंधी और नुकरे घोड़े भी आते हैं। यहाँ किसानों और व्यापारियों के घोड़ों की खरीद फरोख्त भी काफ़ी मात्रा में होती है। बछेरे, बछेरियाँ, शादी बारात के घोड़े 15-20 हज़ार से बिकना शुरू हो जाते हैं। ऊपर तो भाई लाखों करोड़ों तक इनकी कीमतें जाती है। देश के टॉप के स्टेलियन यहाँ पर आते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र भी वहीं रहते हैं। पिछली बार विधानसभा चुनाव होने के कारण आचार संहिता लगी हुई थी, तो इस वजह से बजट भी आवंटन नहीं हो पाया था। जनप्रतिनिधियों ने भी मेले से दूरी बना ली थी, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होने से मेले में रौनक रहने की उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही। पुष्कर पशु मेला 2024 की आगे आने वाली अपडेट के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल पिकेराज ब्लॉग।